वेलकम बैक। 20,000 में ऐसा तगड़ा फोन कि 20,000 में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता है। 20,000 में सोनी MX766 विद 50 मेगापिक्सल OIS सेंसर देखने मिलता है, और उतना ही नहीं 20,000 में 60 FPS की PUBG भी देता है, और 20,000 में बैक पैनल ग्लास का भी देखने मिलता है। ये तगड़ा फोन कौन सा है जो मैंने फिर से बाय किया है मेरे दोस्त के लिए, आपको बताऊंगा। बट आप 20,000 में ये बेकार फोन लेने वाले हो, OnePlus Nord CE 3 Lite, प्लीज इस फोन को मत लेना, क्योंकि 20,000 में LCD डिस्प्ले देता है, बेकार सी डिजाइन देता है, और इसका 120 सिर्फ रेट भी ठीक ठाक UI में काम नहीं करता। इस फोन को स्किप कर दो, और जो मैं बताने वाला हूँ ये फोन आप ले सकते हो 20,000 में, ये है Realme का Realme 9 Pro Plus। करेंटली ये फोन Flipkart पे आपको 20,000 के अराउंड देखने मिल रहा है ऑल ऑफर्स लगा के। तो इस फोन को मैंने ऑलरेडी तगड़ा यूज किया था, और हाँ, फोन लेने से पहले उस फोन में क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है ये भी सुन लेना, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले इस फोन में आपको एक 90Hz की AMOLED डिस्प्ले देखने मिलती है, जो जिसकी विजिबिलिटी मुझे टकाटक देखने मिली थी। 650 nits के ऊपर इंडोर ब्राइटनेस मुझे देखने मिली थी, आउटडोर में भी कोई दिक्कत नहीं थी। इस फोन के अंदर आपको Dimensity का 920 प्रोसेसर देखने मिलता है, जो एक तगड़ा बैलेंस प्रोसेसर है। इसके साथ Antutu स्कोर लगभग 5 लाख के अराउंड आते हैं, और CPU थ्रोटलिंग में भी 90% के ऊपर परफॉर्मेंस दे पा रहा था, और मैंने गेमिंग भी ट्राई की थी, तो गेमिंग स्मूथ प्लस 60 मतलब 60 FPS दे रहा था, तो आप 1.5 घंटे तक अच्छे से इसके अंदर गेमिंग भी खेल सकते हो। उसके बाद मैंने इसके कैमरा भी चेक किए थे, तो सोनी MX766 का जैसा सेंसर देखने मिलता है विद OIS, तो गाइस ये फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। बाकी वीडियो इतने स्टेबलाइज नहीं कर पाता, बट फोटो मैंने OnePlus Nord 2 से कंपेयर किए थे, तो Realme में बेटर फोटो आ रहे थे, इवन नाइट में भी बेटर शॉट Realme के अंदर ही आ रहे थे। उसके बाद 4500mAh की बैटरी इसके अंदर देखने मिलती है, 60 वाट का फास्ट चार्जर इसके साथ आता है। तो बैटरी को जितना मैंने टेस्ट किया, जैसे भी यूज करो 6 to 7 आवर के बीच में आपको ऑन स्क्रीन देखने को ही मिल जाता है। उसके साथ गाइस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलता है, क्विक है, फास्ट है, टकाटक वाली वाइब्रेशन मोटर भी देखने मिलती है, और उतना ही नहीं गाइस इसके अंदर आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद गाइस इसका सॉफ्टवेयर भी मैंने चेक किया था, एंड्रॉइड 13 और Realme UI 4 आया होगा। उसके बाद गाइस इसकी 5G कनेक्टिविटी देखी थी मैंने, तो 4G प्लस तो टकाटक चल रहा था, बट 5G में NSA के 4 बैंड देखने मिलते हैं और ऐसे के 3 बैंड देखने मिलते हैं। यही थोड़ा 5G के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है, आपको 5 से 6 ही बैंड इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद डिजाइन भी काफी कमाल की आती है, बैक पैनल ग्लास का देखने मिलता है, चमचमकता शाइनी ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश है, तो उंगलियों के वगैरह निशान आते हैं, बट जिनको ग्लॉसी फिनिश विद ग्लास पसंद है वो तो यार बंदे इस फोन की तरफ जा सकते हैं। बाकी फ्रंट व्यू से बात कर लेते हो तो थोड़े से बेजल्स नीचे के बड़े देखने मिलते हैं, बाकी 85 ग्राम के अराउंड इसका वेट देखने मिलता है, तो ये फोन लाइट वेट है, वन हैंड से भी आप इजीली यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से गाइस ये बेकार फोन 20,000 में लेने से अच्छा है आप Realme का ही Realme 9 Pro Plus की तरफ जा सकते हो। गाइस इस OnePlus Nord CE 3 Lite से तो बहुत कुछ बेटर उस फोन के अंदर देखने मिलता है, इवन जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है इसमें भी आपको रियल ऑक्सीजन ओएस देखने मिलता है, जो कलर ओएस बेस है और उसमें भी आपको Realme UI देखने मिलता है, जो सेम टू सेम ऑक्सीजन ओएस जैसा है। तो गाइस उस फोन की तरफ आप डेफिनेटली यहां पे जा सकते हो, और मैंने अपने दोस्त के लिए फिर से बाय किया है, कोशिश करूंगा फिर से अनबॉक्सिंग करके जो भी अपडेट्स वगैरह चल रहे तो फिर से दिखाने की। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसी डील की वीडियो मैं फटाफट आपके लिए लेके आऊं या नहीं आऊं। बाकी आपका जो भी सजेशन हो नीचे जरूर कमेंट करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी तक मदन को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।